इस बीच पंजाब में आम आदमी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद कांग्रेस ने हरियाणा में यही दाव खेल दिया। और ऐसे वक्त में हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया जब विपक्षी गठबंधन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ढूंढ रहा है। रात हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस सोमे सक्षम है, कांग्रेस लड़ेगी। उधर दुबई एयरपोर्ट पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की श्रीलंका के राष्ट्रपति से हुई बातचीत का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। इस वीडियो में श्रीलंका के राष्ट्रपति विपक्षी गठबंधन के नेता पर सवाल करते सुनाई दिए, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी से पूछा कि क्या वो विपक्ष की अगुवाई करेंगी। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने सत्ता में आने का दावा कर दिया। ममता बनर्जी 12 दिनों के लिए दुबई और स्पेन के दौरे पर है। इस बीच कोलकाता में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से ईडी की टीम ने कई घंटे तक पूछताछ की। अभिषेक बनर्जी पर शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल होने के आरोप हैं। और इसी मामले में ईडी ने उनसे पूछताछ की। हालांकि ईडी का सामना करने के बाद बाहर निकले अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। पहले भी इस मामले में अभिषेक बनर्जी से कई बार पूछताछ हो चुकी है। इधर बिहार के आरा में जेडीयू के एक एमएलसी के कई ठिकानों पर ईडी की टीम ने फिर छापेमारी की। ईडी की यह कार्रवाई टैक्स चोरी के आरोपों पर की गई। और इस दौरान ईडी की टीम ने जेडीयू के एमएलसी राधाचरण साह के फार्म हाउस के गेट को बंद करके तलाशी अभियान चलाया। इससे पहले भी टैक्स चोरी के आरोप में राधाचरण साह के घर पर ईडी की छापेमारी हुई थी। उधर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापे मारे। खबर है कि इस छापेमारी के दौरान आयकर विभाग की टीम ने आजम खान के अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेज खंगाले। और उत्तर प्रदेश के रामपुर, मेरठ और गाजियाबाद समेत मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में छापे मारे। खबर है कि आजम खान के घर पे जब छापा पड़ा तो वो घर में ही मौजूद थे। यही नहीं, वहाँ मिली सोने की चीजों की कीमत पता लगाने के लिए अलग से टीम बुलाई गई। आजम खान के अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेजों को खंगालने के लिए आयकर विभाग की टीम आजम खान के करीबियों के घर भी पहुंची। लखनऊ में उनके करीबियों के घर पर छापे पड़े। इसके अलावा सीतापुर में भी उनके एक करीबी के स्कूल पर छापा पड़ा। सूत्र बता रहे हैं कि ये कार्रवाई बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर हुई, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान अली जौहर ट्रस्ट को मिली रकम की जाँच की मांग की थी। और आजम खान के घर पर चल रही रेड के बीच सोने की वैल्यू का पता लगाने के लिए अलग से एक टीम बुलाई गई। लखनऊ की ये टीम आजम खान के घर पर चल रहे छापेमारी अभियान में शामिल हुई। और इस टीम का काम छापेमारी के दौरान सोने की वैल्यू का पता लगाना होगा। इनकम टैक्स के अधिकारी इस टीम को लेकर आजम खान के घर गए। उधर चीन से आई एक खबर ने सनसनी फैला दी। वहां के कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ के दौरान मगरमच्छ पहुंचने से हर तरफ दहशत फैल गई। हालात इतने डरावने हो गए कि उन मगरमच्छों की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके तहत मगरमच्छों को पकड़ने के लिए कई टीमें तैनात कर दी गई, जिन्होंने कई मगरमच्छों को पकड़ भी लिया। लेकिन वहां से सामने आए वीडियो में सड़क पर भरे पानी में कई और मगरमच्छ घूमते दिखाई दिए, जिसकी वजह से वहां के लोग डर और दहशत के साए में जीने को मजबूर हो गए। एक तो पहले ही बाढ़ ने वहां जमकर कहर बरपाया, जिसमें कई इलाके पानी में डूब गए और वहां सब कुछ बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो गया। किसी का घर डूब गया तो किसी की गाड़ी पानी की भेंट चढ़ गई। न दुकान बची, न खेत खलिहान। वहां की सड़कों पर दरिया बहने लगा। लोग घरों में ही कैद हो गए। न खाना बचा, न पीने का पानी। और उस पर उनके गली मोहल्लों तक पहुंचे मगरमच्छों की वजह से उनकी और उनके अपनों की जान भी खतरे में पड़ गई, क्योंकि बताया गया कि वहां की एक झील से निकलकर करीब 70 मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में घुस गए।